महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के मसरख में आज इंडिया एलायंस के कांग्रेस उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह ने पार्टी के चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और स्थानीय सांसद पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विनाश किया है, हम विकास करेंगे, इसलिए कांग्रेस को वोट दीजिए। इससे पहले आकाश कुमार सिंह ने रोड शो भी किया। प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह ने महाराजगंज के विकास के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि महाराजगंज की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहां विकास करूंगा और जिसको भी जब भी जरूरत होगी एक फोन पर मैं हाजिर रहूंगा। फेल कर दिया। लोग कह रहे थे कि मसरख नहीं अच्छा होगा, वहां उनकी पकड़ है, कोई लोगों को डराने वाले लोग हैं, यहां लोग डरते हैं कि वहां शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहां जब हम आए और आप लोगों को देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ कोई किसी से डरने वाला नहीं है। और ये जो 32 साल का युवा आपके बीच खड़ा है, मैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का बेटा हूँ, कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए खड़ा हूँ और वोटिंग के दिन मैं मसरख प्रखंड में ही रहूँगा। कोई साथी जो यहाँ उनके अंदर कोई किसी प्रकार का डर हो, भय हो, उसको आप लोग निकालने का काम कीजिए और पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करें। वोट हम लोगों के पास है साथियों, हम सब जगह कह रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं कि आपके जानने वाले लोग, आपके रिश्तेदार दोस्त जो बाहर नौकरियाँ कर रहे होंगे, उन लोगों को भी वोटिंग के दिन कृपया करके फ़ोन करके बुलाएँ और हम लोग अपना मार्जिन जितना हो सके उसको बढ़ाने का काम करें। सांसद बनने के बाद जो एक अच्छे सांसद को करना चाहिए वो सारा काम मैं करूंगा। सेगरीवाल जी क्या बतौर सांसद उनका क्या काम रहा है नहीं रहा, ये लोग आप लोग सब जानते हैं। 10 सालों में एक काम उन्होंने नहीं किया है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सड़क हो या इस लोकसभा क्षेत्र की कनेक्टिविटी हो, महानगरों से यहाँ तक कि बिहार की राजधानी पटना से कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलता है, चाहे रेल के ढाला की समस्या हो, महाराजगंज मार्केट में हैंडलूम पावर लूम इंडस्ट्री थी वो सब बंद हो गई, 14-15 तक चला और मोदी जी के आने के बाद, सिगरीवाल जी के आने के बाद सब बंद हो गया। तो हर एक बिंदु पर मेरा प्रयास होगा और सब चीज़ों को हम लोग अच्छा करेंगे, यहाँ पर विकास करेंगे और जो प्यार समर्थन आप लोग दे रहे हैं इसको बनाए रखें और हम मेरे पास शब्द नहीं है।